नमस्कार दोस्तों ई एम लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है इस वीडियो में बायो स्पोर्ट्स ला जो है इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बायो स्पोर्ट्स ला के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिली थी उसका वैक्टर रिप्रेजेंटेशन ये है म्यू नोट अपॉन फोर पाई मल्टीप्लाई विद आई डोट डी एल क्रॉस प्रोडक्ट विद आर वैक्टर डिवाइडेड बाई आर वैक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब आर वेक्टर आपका डिस्टेंस वेक्टर है यानी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो आपकी करंट कैरिंग वायर है उससे आर डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट पी है तो ये जो वेक्टर होगा ये आपका आर वेक्टर होगा तो यहाँ पे इन करंट एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है अगर कोई वेक्टर फॉर्म पूछे तो आप उसको ये बता देंगे यहाँ पे जो म्यू नोट है वो क्या है जिस भी मीडियम में करंट कैरिंग वायर रखी गई है उसकी परमिएबिलिटी राइट right? और म्यू नोट है यानी वो एयर में रखी गई है या वैक्यूम में रखी गई है दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर कोई आपको कहे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बायोस्पोर्ट्स ला यूज करके तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है तो वहाँ मैग्नीट्यूड क्या होगा फ्रोस प्रोडक्ट वैक्टर्स का करेंगे तो डी एल इन टू आर इन टू कोस्थीटा आर से आर क्यूब कैंसिल तो नीचे आर स्क्र आ जाएगा आर स्क्र है आपका करंट एलिमेंट और पॉइंट पी जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसके बीच का डिस्टेंस तो ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म बन जाएगा तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आप निकालना चाहते हो और वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक डीसी करंट कैरिंग वायर की वजह से प्रोड्यूस होती है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक रूल स्टडी करते हैं जिसको कहते हैं राइट हैंड रूल देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है ये मेरा राइट right हैंड है तो राइट right हैंड का यूज़ करेंगे हम इसमें और ये रूल पहले एक बार देख लेते हैं उसके बाद तीन चार क्वेश्चन इसी रूल के बेसिस पे यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये रूल कहता है कि सबसे पहले जो राइट हैंड थम है वो आप उस डायरेक्शन में रखें जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी कोई वायर है और यहां पे आपका कोई करंट फ्लो कर रहा है तो करंट आपका कहाँ बॉटम से टॉप की साइड जा रहा है तो इसका मतलब ये मेरा राइट right हैंड है तो इस करंट की डायरेक्शन में मैं अपने थंब को सेट कर दूंगा पहला पॉइंट तो यह हो गया दूसरा पॉइंट कल फोर फिंगर्स टूवोर्ड्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेट मान लीजिए इस वायर से मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है पी जहाँ मैं मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहता हूँ तो ये कहता है कि अपने जो थंब को करंट की डायरेक्शन में करके बाकी बची जो चार फिंगर्स हैं उसको यहाँ जो पॉइंट है उसकी तरफ आप कर्ल कर दीजिए उसकी तरफ आप उनको रोटेट रोटेट कर दीजिए जैसे ही इन फिंगर्स की रोटेशन आएगी इस रोटेशन की डायरेक्शन ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ठीक है जो ये कर्ल है ये ही आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपको बताएगा फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है स्मॉल वो आपको पता है कि करंट एलिमेंट की वजह से होती है तो करंट एलिमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड हमारी परपेंडिकुलर होगी आई डोट डी एल वैक्टर ये क्या है आपका ये आपका करंट एलिमेंट है ठीक है तो करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर होगी और जो हमारा डिस्टेंस वैक्टर है उसके भी परपेंडिकुलर होगी तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में या वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू इस टाइप की डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं अब हम यहाँ पे चार एग्जांपल्स को बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करेंगे ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको आप वायर मान लीजिए ये आपकी वायर है और इस वायर से कोई डीसी करंट पास हो रहा है दैट इज़ आई और यहाँ इस वायर से आर डिस्टेंस दूर आपका एक पॉइंट पी है आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन का पता करना है तो जो राइट हैंड रूल है वो क्या डायरेक्शन right कर लीजिए और जहां पे आपका पॉइंट पी है उस डायरेक्शन में आपके जो फोर फिंगर्स हैं वो कर्ल करेंगी यानी उनका जो कर्ल का डायरेक्शन है वो तो जैसे ही मैं अपनी फोर फिंगर्स को घुमाता हूँ नेचुरल मोशन में तो वो आपका डेफिनेटली ये जो प्लेन पेपर है इससे बाहर आने की कोशिश करता है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक डेंसिटी है इस केस में उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है ये आपकी डायरेक्शन होगी यानी आउटसाइड प्लेन ऑफ दिस पेपर तो यहां पे सर्कल और उसके अंदर मैंने डॉट लिखा इसका मतलब है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्शन है और अगर मैंने सर्कल और इसके साथ क्रॉस लिखा तो इसका मतलब है इन साइड द प्लेन ऑफ द पेपर है ठीक है अब ये देखिए क्या होगा दूसरा जो क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन में ये आपकी सेम स्ट्रेट वायर है यहां से यहां तक आपका करंट फ्लो करता है तो ये आपके करंट की डायरेक्शन में आपका थंब होगा लेकिन यहाँ पे देखो जो आपकी फिंगर्स है फोर फिंगर्स वो नेचुरल डायरेक्शन क्या है इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस लेकिन पॉइंट पी आपका कहां है यहां पे तो इस तरीके से जब ये आएंगी तो ये इस तरीके से बाहर आने की कोशिश करेगी राइट right? तो इसका मतलब यहां पे भी बिल्कुल क्लियर है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्शन हमें जरूर देगी तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं यहां पे वायर आपको जो दे रखी है वो इन टर्म्स ऑफ इन आउटसाइड द प्लेन है ये सर्कल बनाया इसके अंदर डोट लिखा और यहाँ पे आपका करंट है इसका मतलब ये है बच्चे कि जो आपका करंट है वो आउटसाइड दी प्लेन है मतलब इस प्लेन से बाहर आपका कोई करंट निकल रहा है तो थम की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगी और ये आपका क्या है देखो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी थी तो यहाँ अपनी फिंगर्स रखें वर्टिकली अप आपका क्या है थम है और आप इसको ऐसे घुमा दें तो इस तरीके से जब आप घुमाएंगे तो इसका टेंजेंशियल जो कंपोनेंट होगा वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिख जाएगी इस टाइप से सीन बन रहा है यहां पे इस टाइप से ये यह देखिए यहां पे इस डायरेक्शन में आपका क्या है फोर फिंगर्स है और करंट क्या है आपका आउटसाइड दी प्लेन है यानी वर्टिकली अपवर्ड है जहां पे मैंने थम रखा है और आप इस तरीके से फिंगर्स घुमाएंगे तो ये आपकी डायरेक्शन बन जाएगी फोर्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो सर्कल है फिर हमने क्रॉस कर रखा है यानी जो करंट है अब की बार करंट आपका इन साइड द प्लेन ऑफ दिस पेपर है यानी इस प्लेन के अंदर बिल्कुल अंदर तो जो थम की डायरेक्शन है वो अंदर की साइड होगी और जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो वेक्टर पी जो डिस्टेंस पी है इस पॉइंट पे यहाँ पे रख देंगे जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो अब की बार आप देखोगे कि क्लोकवाइज आपका जो कर्ल मोशन है वो दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ से क्लोकवाइज़ आपकी क्या बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसी से हमें पता चलता है कि जो बायोस्वोटला में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन अगर पता करनी हो तो वो हमारा राइट हैंड रूल को स्टडी करके डायरेक्शन हमारी पता कर ली जाती है इसी के बेसिस पे चार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके तो बच्चों दिस इज़ दी एंड ऑफ द वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और अगर आप मेरे पी डी नोट्स चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर दे रखा है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं Thank you so much for watching this video.